नमस्कार। आज का जो प्लान है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, 34x50 में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने मकान को डिजाइन किया है। यहाँ पे आपका कुर्सी जो लेवल है 3 फीट हाइट पर हमने रखा है दोस्तों। फ्रंट में आपको चौक इस तरीके से मिल जाएगा जिसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी विंडो का डिजाइन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। कोई नक्शा बनवाना है तो मैंने शुरुआत में ही नंबर दिया है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं दोस्तों। ये विंडो का डिजाइन है, इसमें 2 पिलर के साथ डिजाइन को दिया गया है। बाकी ये आप देख सकते हैं बरामदे में आपको इस तरीके से आर्च पैटर्न में इस तरीके से डिजाइन मिलेगी, आप देख लीजिए। जिसमें कॉर्निस का डिजाइन हमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्निस का डिजाइन यूज किया है। और ये आपका रहा बरामदा, बरामदे में आप एंट्री करेंगे तो ये आपका मेन गेट के ऊपर भी आप डिजाइन देख सकते हैं। इस तरीके से हमने मेन गेट के ऊपर भी डिजाइन यहाँ पे बनाया है। ऊपर सीलिंग वगैरह आपको फैन वगैरह इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसका मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। रेलिंग की बात करें तो आप रेलिंग की बात इस तरीके से ग्रिल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पे ईंट का यूज किया है। बाकी ग्रिल के पैटर्न में इस रेलिंग को यहाँ पे डिजाइन किया दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रेलिंग आपको मिल जाएगी 3 पैटर्न में। आपको इस तरीके से इस डिजाइन में आपको पैटर्न पूरा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब मम्टी रूम वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मम्टी रूम यहाँ पे आपको आगे मिल जाएगा। ये आपका हो गया मम्टी रूम। यहाँ पे मम्टी रूम की डिजाइन आप इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ये आपको पूरा प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसका साइजेस वगैरह की तरफ और आपको इसका एक एक साइज हम आपको बताते हैं कि हमने किस साइज में कैसे करके इस डिजाइन को बनाया दोस्तों। तो आइए हम इसके साइजेस वगैरह आपको समझाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपका मकान हो गया। ठीक है, ये आप देख लीजिए इस तरीके से आपको पूरा मकान मिलता है दोस्तों। ठीक है, फ्रंट जो है 34 फीट है और गहरान जो है 50 फीट है। 34x50 में आपका इस तरीके से पूरा मकान आपको मिलता है। 34 फीट फ्रंट हो गया, 50 फीट आपका गहरान हो गया। पीछे साइड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पीछे भी बरामदा क्लाइंट ने मांगा है। पीछे हमने रेलिंग वगैरह नहीं डिजाइन किया है क्योंकि पीछे रेलिंग वगैरह डिजाइन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पीछे से दिखेगा नहीं। अगर आपको करना है तो आप पीछे साइड में भी फ्रंट के जैसे जैसे ये राउंड बना है वैसे पीछे साइड भी आप रेलिंग वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मकान की हाइट आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डिजाइन वगैरह पूरा मिल जाएगा। मकान की हाइट को यहाँ पर 2 फीट ऊपर रखा गया है, इस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको फ्रंट में चौक वगैरह दिया, बीच से आपका स्टेप दिया, वहाँ से आप एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, अब खिड़की की बात करें तो आप देख लीजिए इस तरीके से खिड़की का डिजाइन है। ठीक है, और 2 पिलर इसमें दिए गए हैं। खिड़की की बात करें तो पहले हमने 1 फिट सीधा किया 6 इंची ऊपर, फिर 6 इंची सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 6 इंची कर दिया है। वही सेम इधर भी किया, 1 फिट सीधा 6 इंची ऊपर, 6 इंची करके इस तरीके से बनाया है। और ये इसकी जो थिकनेस रखी है 2-2 इंची हमने रखा है तीनों का, और दो सारे जो हैं 2-2 इंची ऊपर नीचे इस तरीके से आपको मिलेंगे। और ये आगे जो है 1 फिट 2 इंच आपका आगे निकला है, वही सेम टू सेम 1 फिट 2 इंच आगे आपका ये भी रहेगा। इसमें 2 ही पैटर्न आपका इस तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों। ठीक है, अब बरामदे के डिजाइन की बात करें तो 8 फिट हाइट आपकी इस तरीके से रहेगी। कॉलम की जो भी हाइट है ये 8 फिट आपकी इस तरीके से रहेगी, ये आपका इस तरीके से आपका कॉलम का डिजाइन हो जाएगा। और बाकी ये जो बरामदे का डिजाइन है ये 2 फिट सीधा किया है 6 इंच ऊपर, फिर 1 फिट सीधा, फिर 6 इंच ऊपर, फिर 1 फिट सीधा, उसके बाद फिर राउंड कर दिए गए दोस्तों। यही सेम पैटर्न इधर भी 2 राउंड इस तरीके से आपके आ जाएंगे। ठीक है, और रेलिंग की अगर बात करें तो पहले 2 फिट 2.5 फिट सीधा किया है। ठीक है, 2.5 फिट पहले स्ट्रेट है, फिर आप देख सकते हैं 2.5 फिट स्ट्रेट किया है, फिर 2 फिट 6 इंची इसको भी स्ट्रेट किया, 6 इंची आगे, 6 इंची आगे, फिर 6 इंची, फिर 6 इंची, उसके बाद फिर राउंड कर दिया। और इसमें 3 राउंड आपके इस तरीके से बनेंगे। और ये कॉर्निस का डिजाइन है, जब आप छत की ढलाई करें तो उसमें कॉर्निस का डिजाइन आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी ये आपका ग्रिल के पैटर्न में इस तरीके से पूरा डिजाइन आपको इस तरीके से फ्रंट से आपको मिलेगा। और ये बरामदे का डिजाइन आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। मेन गेट में इस तरीके से डिजाइन है, विंडो का डिजाइन आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा पूरा डिजाइन। यही पैटर्न हमने यूज करके डिजाइन दिया है दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मम्टी रूम है, गुमटी बोल सकते हैं, मम्टी बोल सकते हैं, इस तरीके से गुमटी और मम्टी को यहाँ पे डिजाइन किया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, पीछे साइड में बरामदा दिया है, यहाँ पे विंडो सेम है फ्रंट के जैसे। अगर आपको बरामदा वही फ्रंट के जैसे बनाना है तो आप इस बरामदे को फ्रंट के जैसे आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसका स्लैब हटा करके अंदर का भी डिटेल आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आगे आप एंट्री करेंगे फ्रंट में तो यहाँ पर आपको बरामदा मिलता है 22 फिट 9 इंच का, 22 फिट 6 इंच चौड़ाई हो गई, 9 फिट 9 इंच इसकी लंबाई हो गई। इसके बाद एक आपको बेडरूम मिलता है जो कि आप गेस्ट रूम बोल सकते हैं। ये आपका बेडरूम हो जाएगा 10 फिट × 15 फिट 1 इंच, 15 फिट 1 इंच लंबाई, 10 फिट 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इसमें दो दरवाजे दिए गए, एक अंदर से भी है, ये आपका बाहर से हो गया, एक अंदर से भी हो गया। इसके बाद ये आपका पूरा हॉल एरिया मिलता है। इस हॉल का साइज जो है 11 फिट × 29 फिट का आपका साइज रहेगा, 29 फिट लंबाई, 11 फिट चौड़ाई है। यहाँ पे आपका सीढ़ी इस तरीके से दिए गए, सीढ़ी का जो साइज रखा गया 3.5 फिट चौड़ाई में रखा गया है, और 7 इंची राइजर है, 10 इंची का थ्रेड है, और ये इस तरीके से आपकी सीढ़ी इस तरीके से आपकी रहेगी दोस्तों। फिर आप आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो इस साइड की बात करें तो ये आपको एक बेडरूम मिलता है 10x14 का, ये बेडरूम 10x14 का आपको मिल जाएगा। ये 10x15 फीट 1 इंच का, ये 15 फीट 1 इंच इसकी लंबाई है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद ये आपका किचन हो जाएगा, किचन का साइज 10x9 का साइज़ है, 10 फीट इसकी लंबाई, 9 फीट चौड़ाई हो गई। फिर आपको लास्ट में एक बेडरूम मिलता है 10x14 का, ये 10x14 का ये वाला बेडरूम है, 10 फीट चौड़ाई 14 फीट लंबाई हो गई। ये वाला बेडरूम के अगर साइज़ की बात करें 10x15 का है, 10 फीट चौड़ाई 15 फीट लंबाई। पीछे साइड में चलेंगे तो ये आपको एक बरामदा मिलता है 22 फीट 6 इंच 9 फीट 9 इंच का, ठीक है। यही ये बरामदा फ्रंट वाले बरामदे की तरीके से सेम टू सेम बनाया गया दोस्तों। तो ये प्लान आपको इस तरीके से आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेकर, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।